मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देपालपुर के 24 अवतार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन विष्णु महायज्ञ में पूर्णाहुति देने देपालपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां 2400 मंदिर और गुरु गादी के दर्शन किए, साथ ही मां कनकेश्वर मंदिर की भगवत कथा में पहुंचकर जनता को भी संबोधित किया। देपालपुर में 24 अवतार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में बुधवार को यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। प्रदेश के मुखिया मंदिर के पास बने हेलीपैड से उतरकर सीधे मंदिर पहुंचे और सभी मंदिरों के दर्शन, यज्ञशाला, नर्मदा मैया शक्तिपीठ और गुरुजी की प्रतिमा के दर्शन किए। इस दौरान मां कनकेश्वरी देवी के मुखारविंद से चल रही भागवत कथा में भी शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम में मौजूद लाखों लोगों को संबोधित करते हुए मंदिर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। भगवान विष्णु की और लक्ष्मी मैया की जो मूर्तियां हैं उनको देख के तो लगता है कि शांताकारम सुलक्षणम पद्मनाभम सुरेशम श्लोक हम पढ़ते थे, वो मूर्ति में जीवन दिखाई दे रहा था। ये मंदिर हम सबको न केवल भक्ति के भाव से भरेगा बल्कि यहाँ से हमें सद्बुद्धि मिलेगी, हम सन्मार्ग पर चलेंगे, लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे यहाँ लोगों की सेवा करने की, जीवन को सफल सार्थक और धन्य बनाने की। और इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अद्भुत केंद्र है ये मंदिर। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।